गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि आप एक प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो आपको एक एफिशिएंट प्रोग्राम आना बहुत ज़रूरी है, ठीक। क्योंकि जब आप एक अच्छा प्रोग्राम बना पाएंगे तभी अपने आप लॉजिक डेवलप कर पाएंगे और बड़े से बड़े प्रोग्राम को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसके पहले हमें कुछ स्टेप्स को बहुत ध्यान से सीखना है। वो स्टेप्स इस तरीके से हैं, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब क्या है कि यानी कि जो भी हम काम करने चलते हैं तो उसके पहले हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी जिसके बेसिस पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरीके से जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम कुछ डेटा पे काम करते हैं, कुछ डेटा प्रोड्यूस भी करते हैं। तो और इसका मतलब क्या है कि हमें कितने वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो इनपुट में हेल्प करेगा, कौन से ऐसे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, और कौन से ऐसे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हमें आउटपुट उसमें स्टोर करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, क्रिएट अ लॉजिक। क्रिएट अ लॉजिक का मतलब क्या है कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि आप अपने प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसा क्या लॉजिक होना चाहिए, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर हम लोग फॉलो करें जिससे कि हम अपना प्रोग्राम को बना सकें, यानी कि वो लॉजिक क्या होगा जिसके बेस पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। डिजाइन एंड एल्गोरिदम। डिजाइन एंड एल्गोरिदम क्या है, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि जो भी आपने लॉजिक क्रिएट किया है या जो भी लॉजिक आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपको वो कैसे स्टार्ट से एंड तक पूरा प्रोग्राम आपका रन करेगा, कब इनपुट लेगा, कब आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, कब प्रोसेस करेगा, क्या ऐसी टेक्निक करेगा, तो ये सब आपको सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी कि स्टार्ट से एंड तक आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किया। और ध्यान रखिए, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन डेफिनेट होने चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट का मतलब कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, इनफाइनाइट स्टेप नहीं होने चाहिए। यानी कि आप स्टेप्स एग्जीक्यूट करते गए और उसके बाद आपको रिजल्ट तो एग्जीक्यूट ही होते जा रहे हैं, कभी भी एल्गोरिदम रुक नहीं रही है या प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा, आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑर्डर में होने चाहिए और दूसरा फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए। नाउ इम्प्लीमेंटेशन, जब आपने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, लॉजिक भी डिजाइन कर लिया, एल्गोरिदम भी डिजाइन कर ली, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज एन इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हो उसका यूज करके इस एल्गोरिदम को आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप आता है ड्राई रन। चूंकि हम लोग जब भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पे कोई कंप्यूटर तो होता नहीं है, तो हम लोग को वही जो प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम सही बना है कि नहीं बना, यानी कि हमें ही अपनी कॉपी में एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जो वो एग्जीक्यूशन क्या कहलाता है, दैट इज अ ड्राई रन। विदाउट यूजिंग कंप्यूटर आप एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को कॉपी में, तो वो कहलाता है ड्राई रन। बेसिकली इसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट क्रिएट करते हैं और कंपेयर करते हैं कि जो एक्चुअल आउटपुट है और जो आपका आउटपुट आ रहा है वो दोनों सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो इसका मतलब प्रोग्राम आपका सही बना है, अगर सेम नहीं है तो वो प्रोग्राम आपका गलत बना है। अब इसी को हम एक प्रॉब्लम डेफिनेशन से यहाँ बताना चाहते हैं। हमने एक प्रॉब्लम डेफिनेशन ली, राइट अ प्रोग्राम टू शो द आउटपुट ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। नाउ अब बात आती है कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि हमें दो नंबर का सम निकालना है, उसको सम को शो करना है। तो सबसे पहले अगेन वही स्टेप वन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इस रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम वो वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे जो डेटा स्टोर करेगा जिसके बेसिस पे हमारा आउटपुट निकलेगा, यानी कि इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा। क्योंकि बीच में सम करना है तो इसमें बीच में कोई प्रोसेस होगा नहीं, सीधे सीधे आउटपुट ये प्रोड्यूस कर देगा। नाउ हमने वेरिएबल लिया इनपुट वेरिएबल, दो इनपुट वेरिएबल लिए ए एंड बी, जो पहला नंबर स्टोर कर रहा है, बी में दूसरा नंबर स्टोर कर रहा है। उसके बाद प्रोसेसिंग इनपुट, क्योंकि हमें कोई भी प्रोसेस अभी करना नहीं है, और आउटपुट वेरिएबल हमने एक ले लिया सी, जो क्या कर रहा है, इन दोनों का सम प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ
सेकेंड स्टेप क्या है, क्रिएट अ लॉजिक। आप सम कैसे निकालेंगे, तो सम का सिंपली लॉजिक है कि अगर आप दोनों नंबर को सम कर देंगे तो उसका सम निकल आएगा प्लस ऑपरेटर के थ्रू। डिजाइन एन एल्गोरिदम, डिजाइन एन एल्गोरिदम में सबसे पहले स्टेप देखते हैं कि हमने दो वेरिएबल लिए जो क्या करेगा, दो वेरिएबल लिए जो दो नंबर को इनपुट करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या किया, टेक वन वेरिएबल फॉर आउटपुट जो सम करेगा दो नंबर का, स्टोर करेगा। स्टेप थ्री, हमने इनपुट वैल्यू ली इन दोनों नंबर में ए और बी में, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, इसको सम किया, दैट इज अ सी इक्वल टू ए प्लस बी। फिफ्थ स्टेप क्या कर रहा है, अब जो सम निकला है हमारा उसको हमने क्या किया, प्रिंट किया। नाउ देन स्टॉप। नाउ अब हम देखेंगे, ये तो हमने एल्गोरिथम डिजाइन कर ली है, अब ये सही है गलत है, सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक बार। तो जब भी हम कोई सी में प्रोग्राम बनाते हैं, सी प्लस प्लस में, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये जो भी आपकी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं सी प्लस प्लस के, वो सब इस वर्क स्पेस यानी कि एसटीडी नाम में डिफाइन है, इसलिए यहाँ यूज किया गया है। ये हमने मेन फंक्शन बनाया है जिसमें आईएनटी इज द रिटर्न टाइप एंड नेम मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, कर्ली ब्रेस स्टार्ट। देन उसके बाद हमने दो वेरिएबल लिए, यही हमने एल्गोरिदम में लिखा है, टेक टू वेरिएबल्स ए एंड बी, इनिशियल वैल्यू जीरो कर दी और एक आउटपुट वेरिएबल लिया जिसकी भी वैल्यू क्या रखी हमने, जीरो रखी है। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर इनपुट कराया, उसके लिए एक मैसेज दिया और सीन का यूज करके हम वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। देन सी आउट यानी कि सेकंड नंबर प्रिंट किया, मैसेज दिया, एंड देन सी इन करके हमने बी में वैल्यू स्टोर कराई यूजर से। देन सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये स्टेप फोर था एल्गोरिथम में, हम दोनों को सम करेंगे और सी में स्टोर करेंगे, और हमने फिर सी में की वैल्यू जो है उसको प्रिंट करा दी। क्योंकि ये मेन फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमें आखिरी में इसमें क्या स्टेटमेंट यूज करना पड़ रहा है, रिटर्न जीरो। नाउ ये हमने इम्प्लीमेंट तो कर लिया, अब हम देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम सही बना है या नहीं बना। नाउ अब ड्राई रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कैसे। अब देखिए इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ठीक। टेबल में क्या होता है, ये हमारे पास स्टेप्स यहाँ डिफाइन करते हैं सबसे पहले, कि जैसे जैसे स्टेप एग्जीक्यूट करता जाएगा नंबर बढ़ते जाएंगे, और जितने भी वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे हमने यूज कर लिए, इनपुट आउटपुट या प्रोसेसिंग जो भी है, और लास्ट में हमने हर स्टेप पे आउटपुट को मेजर किया कि क्या आ रहा है। तो जब हमने पहला स्टेप लिया था तो ए की वैल्यू जीरो थी और बी की वैल्यू जीरो थी। नेक्स्ट स्टेप में अभी भी ए की जीरो है, बी की जीरो है, सी की क्या है, जीरो, लेकिन अभी कोई आउटपुट नहीं प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, ए और बी सी तीनों जीरो है, लेकिन हमने एक मैसेज दिया प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, ये आउटपुट में प्रोड्यूस हुआ। देन फोर्थ स्टेप में हमने ए में वैल्यू यहाँ फाइव पुट की, तो जाके वो ए में स्टोर हो गई, ठीक। अच्छा, बी में हमने अगेन सेकंड नंबर का मैसेज दिया कि प्लीज एंटर सेकंड नंबर, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने बी में सिक्स वैल्यू स्टोर की जो यहाँ पे स्टोर हुई। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सी इक्वल टू ए प्लस बी किया, तो ए प्लस बी फाइव प्लस सिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेवन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इलेवन को सी को प्रिंट कर दिया जो इलेवन है। नाउ फाइव प्लस सिक्स इलेवन होता है, यहाँ हमने इलेवन प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि डिजायर आउटपुट हमारा इलेवन है, यानी कि अगर फाइव और सिक्स को नॉर्मली हम प्लस करें तो इलेवन आएगा, और हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है जो ये आ रहा है दैट इज अ वो भी इलेवन है। तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोग्राम बना है वो सही बना है, लेकिन अगर इस डिजायर आउटपुट एक्चुअल आउटपुट में कोई डिफरेंस होता तो नॉर्मली वो क्या करता, आप पता लग जाता है आपको कि ये प्रोग्राम आपका सही नहीं बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रोग्राम को इन फास्ट फाइव स्टेप्स का यूज करके आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर प्रोग्राम में आप ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, सीखने के लिए आप इन पांचों स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये इनिशियल स्टेप्स आपके हटते चले जाएंगे, क्योंकि वो आपका दिमाग इतना कैपेबल हो जाएगा कि आप खुद से वो सब चीजें दिमाग में सोच लेंगे, ठीक है। और ये शुरू में तो आपको ये टेबल ड्राई रन जरूर करा के देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि क्या हो रहा है। नाउ ये मैंने एक एग्जाम्पल से आप लोग को समझाया है, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूसरा दे रहा हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है।
फैक्टोरियल सभी जानते हैं, जैसे कोई नंबर होता है तो हम क्या करते हैं उस नंबर को एक नंबर कम करके हम उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं प्रीवियस नंबर तक, जब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कि हमारा वन ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सबने मैथमेटिक्स में सॉल्व किया होगा। हम इसमें प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे स्टेप्स को यहाँ यूज करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने जा रहे हैं हम सबसे पहले, यानी कि वेरिएबल लेंगे फॉर इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग के लिए। नाउ इनपुट वेरिएबल में हमने सबसे पहले एक नम नाम का वेरिएबल लिया, जो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है उस नंबर को जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग में हम क्या करने जा रहे हैं कि एक, चूंकि हमारे नंबर एक एक करके घटते जाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो उसके लिए आइटरेशन की जरूरत पड़ेगी, लूपिंग की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया, दैट इज अ आई, जो बीच में प्रोसेस कर रहा है चीजों को, जो स्टोर कर रहा है आइटरेशन को। और आउटपुट वेरिएबल एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया, जो क्या कर रहा है, जो नंबर इनपुट करेंगे उसमें एक नंबर कम करते करते वो आप प्रीवियस नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो वो फैक्ट हमने एक वेरिएबल ले लिया जो आउटपुट स्टोर कर रहा है, फैक्टोरियल। नाउ क्रिएट, अब लॉजिक क्रिएट करते हैं। लॉजिक सिंपली फैक्टोरियल का क्या है कि कोई भी नंबर होगा, से सपोज 5, अब 5 को हम पहले फिर 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, यानी कि जो नंबर है उसमें एक कम करते जाएंगे, और कहाँ तक करते जाएंगे, 1 तक करते जाएंगे। ठीक, यानी कि num into num plus num minus 1, और तब तक करते जाएंगे जब तक कि वो 1 तक ना पहुंचे। तो ये हमारा लॉजिक है। एल्गोरिथम मैंने आप लोग को डिजाइन करने के लिए यहाँ छोड़ दिया है ये स्पेस, ताकि आप डिजाइन कर सके। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हेडर फाइल हमने इंक्लूड की, देन उसके बाद हमने नेम स्पेस यहाँ यूज किया एसटीडी, क्योंकि हमारी जो लाइब्रेरी फंक्शंस है वो नेम स्पेस एसटीडी में डिफाइन है बाय डिफॉल्ट। हमने मेन फंक्शन बनाया, कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, देन हमने दो वेरिएबल लिए, इनपुट पहला वाला दैट इज अ नम इक्वल टू 0 और फैक्ट इक्वल टू 1। अब एक बार ध्यान रखिए, जब भी हम किसी नंबर को किसी नंबर से, प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो कर देंगे इनिशियल वैल्यू, तो वो हर बार जीरो ही आएगी। तो हमेशा जब भी ध्यान रखिएगा, अगर एडिशन का केस हो तो आप जीरो लेंगे, और मल्टीप्लाई का केस हो तो 1 लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नाउ हमने क्या किया, जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है उसको हमने यहाँ सी आउट करके एक मैसेज प्रिंट किया, प्लीज इंटर नंबर सीन नम, यानी कि नम में हम क्या करने जा रहे हैं, ये इनपुट लेने जा रहे हैं। देन उसके बाद हमने क्या किया, फॉर का लूप चलाया, जो कहाँ से चलेगा, आई इक्वल टू नम, यानी कि फैक्टोरियल 5 से, अगर 5 यहाँ इनपुट किया है तो 5 से लेकर वो कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि फैक्ट की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो हम 1 तक नहीं ले जाएंगे, उसके पहले तक ले जाएंगे। और यहाँ हमने क्या किया, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई, यानी कि आई की वैल्यू पहले 5 आएगी, फिर ये घटेगी, फिर 4 आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी, यानी कि ये प्रीवियस नंबर यहाँ आई का जो भी नंबर रहेगा वो यहाँ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा प्रीवियस नंबर से। नाउ उसके बाद जो भी फैक्ट में स्टोर होगा वो हम यहाँ सी आउट में डिस्प्ले करेंगे सी आउट से, एंड उसके बाद रिटर्न यहाँ यूज किया है, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब ये देख रहे हैं कि प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट कर कैसे करता है, जब ड्राई रन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है। नाउ तो अगेन देखिए, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल था, हमने स्टेप्स यहाँ डिफाइन किए। ये हमारे वेरिएबल्स हैं num and fact और i, ये 3 वेरिएबल लिए थे। अब देखिए इसमें कंडीशन भी है, तो हम यहाँ कंडीशन भी स्पेसिफाई करेंगे, और यहाँ पे आउटपुट, अब देखते हैं ये कैसे कैसे कर रहा है। तो नाउ जब भी स्टेप 1 लिया, तो फैक्ट की वैल्यू 1 थी और num की वैल्यू क्या रखी हमने, 0, ये हमने डिफाइन किया था। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमें यूजर से इनपुट लेना है कि किसका हमने फैक्टोरियल निकालना है। तो हमने num में स्टोर कराया, पहले मैसेज दिया था प्लीज इंटर नंबर, तो इंटर करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या किया, 5 स्टोर कराया, तो नम की वैल्यू क्या होगी, 5, प्रीवियस वैल्यू वैसे ही रही, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया था, तो आई की वैल्यू नम थी, यानी कि 5 से स्टार्ट होगी। ठीक है, एंड 5 से स्टार्ट होने के बाद अगर आप देखें, ये नम की वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रही है, और ये उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, यानी कि 5 1 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है तभी ये लूप चलाएगा। नाउ तभी ये लूप चलाएगा,
और देखिए यहाँ हमने जो कंडीशन लगाई थी 5 इज ग्रेटर देन 1 दैट इज ट्रू, तो अंदर जाएगा। तो अब यहाँ पे जब जैसे ही अंदर जाएगा तो फैक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, सॉरी फैक्ट की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी अब 5 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई है 5 हो गई है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेशन वाले स्टेटमेंट पे जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो गई है 4 हो गई है। अगेन अब 4 क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है 1 से, चूंकि 4 बड़ा है तो अगेन वैल्यू क्या आई है ट्रू आई है। नेक्स्ट स्टेप में जाएगा फिर अंदर जाएगा तो ये फैक्ट की वैल्यू 20 कैसे हुई, क्योंकि आपके पास फैक्ट की वैल्यू कितनी थी 5 थी पुरानी वैल्यू, और आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आई की वैल्यू कितनी है 4, तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आएगा 20। 20 आने के बाद फिर वो अपडेशन पे जाएगा, आई की वैल्यू फिर वो वन कर, फिर वो एक घटा देगा और वो 3 हो जाएगी, और 3 ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद फिर वो अंदर जाएगा तो फैक्ट की वैल्यू पहले 20 है जैसे यहाँ दिखी हुई है, और मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 3 से हो रहा है जो प्रीवियस वैल्यू थी आई की, और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया 60 जो उसने स्टोर कर दिया। देन उसके बाद फिर अपडेशन में गया, आई की वैल्यू फिर से एक कम की, दैट इज अ 2, अगेन इज ग्रेटर देन 1 दैट इज ट्रू। उसके बाद फिर वो आई की वैल्यू यहाँ एक तो घटी गई है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आया 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो कितना आ गया 120। जब जैसी कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पर तो वो उसके अंदर जाएगा और ये क्या हुआ 120 आ गया। 120 आने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू क्या कर रहा है फिर से वो 1 मतलब 2 से क्या हुई 1 हुई यानी कि माइनस हुई नेक्स्ट स्टेप में, और 1 इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हुआ वो लूप के बाहर आ जाएगा और उसके आगे लिखा हुआ है कि सी आउट फैक्ट, तो फैक्ट की जो भी वैल्यू होगी उस समय वो 120 रिप्रेजेंट करेगा जैसे कि यहाँ पे है फाइनल स्टेप में। नाउ डिजायर्ड आउटपुट 120 है और एक्चुअल आउटपुट क्या निकला 125 का फैक्टोरियल निकालिए तो क्या आपका आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो जिसका मिला के एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगी 120, यानी कि हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है यानी कि जो हमारे पास आना चाहिए और जो एक्चुअल आउटपुट है जो आ रहा है दोनों क्या है सेम है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही बना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको प्रोग्राम बनाना सिखाया। These steps are basic step for creating a good programming skill. अगर आप इसको follow करेंगे 10-15 program आप इसको अच्छे से बना लेंगे तो मैं ये ensure करता हूँ आपको कि आप अच्छे से programming कर लेंगे। और ये जो dry run है ये बहुत important है, खासतौर से table बना के जैसे हमने बताया कि table में क्या करते हैं total जितने भी variable use हुए program में उसको specify करते हैं, जितनी condition use हुई है उसको specify करते हैं, और last में output इसको एक एक स्टेप के साथ एग्जीक्यूट कराते जाते हैं और वो आपका रिजल्ट मिल पाएगा। देखिए ड्राई रन में सिंपली आपको क्या करना है, जो प्रोग्राम आपने बनाया है जैसे कि आपके मान लीजिए ये प्रोग्राम बनाया आपने तो कंट्रोल्स भाई ये तो आपके प्री ये आपकी इनिशियल प्रोसेसिंग होगी तो कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट होगा आपका नम इक्वल टू जीरो, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप। अब फॉर लूप चलेगा तो ये आएगा उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आएगा, अंदर आने के बाद वो क्या करेगा अपडेट पे जाएगा, अपडेट जाने के बाद फिर वो कंडीशन पे आएगा, फिर वो कंडीशन पे जाएगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर वो अंदर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा, ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा यानी कि लूप से बाहर आ जाएगा। तो बस आपको इसी कंट्रोल को एग्जीक्यूट कराना है इन अ सीक्वेंस, दैट्स ऑल। So this is end of my topic, how to create a program. Thank you.